जी सर, जो सियासी लोग इस टाइम जो है अपना चंद जो सियासी लोग हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो तरह तरह की वो कटिंग करके उसमें सोशल मीडिया डाल रहे हैं, इस पर आपकी अपील? मैं ये चंद जो सियासी लोग इस किस्म का जो सोशल एक्टिविस्ट हो या सियासी लीडर हो, गुजर कम्युनिटी से जो भी हूँ, वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और इस तरह का बयान, हमारा आज भी भाईचारा, हमारे गुजर और पहाड़ियों का भाईचारा जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अपना जो भाईचारा है कायम रखा हुआ है और अपनी जो रिश्तेदारी है वो हमने बरकरार रखी हुई है और उसकी लाज रखते हैं आज भी हम। और मेरी ये खासकर हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो चंद जो लोग ऐसे हमारे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी लोगों से भी अपील है, पहाड़ी लोगों से और गुजर कम्युनिटी के लोग भाइयों से भी ये अपील है कि ये जो है हमारा भाईचारा आपसी ख़त्म करने, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि टिकू खान ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, मैंने इस वजह से मैं आज भी अपने मौकफ पे कायम हूँ कि जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको मैंने ये चीज़ वार्न किया हुआ है कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारा आपसी भाईचारा, हमारा रिलेशनशिप जो है सदियों से आ रहा है, तो फिर और वाहिद टिकू खान ही है DDC मेंडर जिसके पहाड़ी मीटिंग में गुजर पहाड़ी बाई बाई के नारे वहाँ पर लगे। आपको पता है, ये आप मीडिया हजरात ने भी चलाया और वीडियो देखने की ज़रूरत है, छोटी सी क्लिप काट के ये आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ बोली, और हमने ये चीज़ वाजिया कर देता हूँ कि अगर वो इस तरह का दोबारा भी प्रोपेगेंडा करेंगे तो मैं सरकार से भी ये अपील करूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फोक्तन आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाते हैं, और साथ में ये जो आपने सवाल किया, ये मैंने मीडिया में ये चीज़ देखी कि कल से ये हमारी जो है क्लिप काट के उसमें बताया जा रहा है कि टिकू खान ने, DDC मेंडर ने हमें चैलेंज किया है। मेरा तकरीर करने का ये कभी ये नज़रिया नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी के बारे में ऐसा बोलूं और आपसी भाईचारा जो है ख़त्म करूं। और हमारी ये सदियों से हमारा जो भाईचारा है, हम इससे पहले हमारा भाईचारा रहा और रहेगा, इससे आगे भी इंशाल्लाह हमारा भाईचारा रहेगा। मेरी तकरीर का पूरा, मेरी तकरीर को आपने, आप मीडिया हजरात भी वहाँ पे थे, आपको तकरीर ये चलानी चाहिए, पूरी तकरीर का मफहूम उन्होंने समझा नहीं और ना मेरी मीडिया वो तकरीर सुनाई मीडिया पे उन्होंने बताई। मेरा आज का अपना मौकफ, मैं आज भी अपने मौकफ पे कायम हूँ, और मैं चंद जो शरारती अनासर जो भी हैं उनको ये मैं वार्न करता हूँ, और मैंने उस टाइम भी ये चीज़ कही कि चंद जो अनासर हमारा आपसी गुजर और पहाड़ी भाइयों का भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए मैंने ये चैलेंज किया था कि मेरी खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप हमारा कभी आपसी भाईचारा ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब के बाद मैं वाहिद ऐसा लीडर हूं जो जिसने गुजर कम्युनिटी के भी और पहाड़ी भाइयों के भी वोट लेकर आज जिन वोटों से मैं DDC बना हूं। मैंने अपनी तकरीर में ये भी बताया कि मेरी जो दो परदादियां हैं वो गुजर कम्युनिटी से हैं, और आज भी हमने इंशाल्लाह वो रिश्ता जो है कायम रखा हुआ है, जो हमारी उनसे रिश्तेदारी है, मैंने तकरीर में भी ये भी चीज़ बताई थी। और आपको पता होना चाहिए, थोड़ा